ओम शांति। आज की मुरली है 6/2/2021 की। दूसरे कोई का कंट्रोल नहीं है, एक का कंट्रोल है, वो है अद्वैत राजनीति। बच्चे जब भी गीत सुनते हैं तो अपनी राजधानी का नशा आना चाहिए, ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए। तुम्हारा सब कुछ गुप्त है और बड़े बड़े आदमियों का बहुत खाट होता है, तुमको तो कोई खाट बात नहीं है। देखो बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है वो भी कितना साधारण रहते हैं, हमारा भी छाट नहीं है और बाबा जिसमें प्रवेश करते हैं उसका भी कोई छाट बात नहीं है, बड़े साधारण रहते हैं। ये बच्चे जानते हैं यहाँ हरेक मनुष्य अनराइकीय नीचे काम करते हैं, इसलिए उनको कोई समझ कहा जाता है, उसी को बिल्कुल ही ताला लगा हुआ है। उनको कितने समझदार थे, विश्व के मालिक थे, अभी माया ने इतना बेसमझ बना दिया है जो हम सब कोई काम के नहीं करते। पास जाने के लिए यज्ञ तपा दान आदि बहुत करते हैं परंतु उनको मिलता कुछ भी नहीं, ऐसे बच्चे खाते रहते जिन्हें प्रतिदिन कल्याण भी होता जाता है। जितना जितना मनुष्य कमो प्रधान होते जाते हैं उतना उतना कल्याण होना ही। ऋषि मुनि जिनका गायन है वो पवित्र रहते थे, लेकिन नेती कहते थे, अभी वो भी समूह प्रधान बन गए हैं तो कहते हैं शिवो हम तत्व हम तो सर्वव्यापी है, तेरे में है, मेरे में है, सब में है। वो लोग तो सिर्फ परमात्मा कह देते, क्या कहते हैं वो परमात्मा कहते हैं, परमपिता कभी नहीं कहेंगे, उनकी बहुत नाटक है। परमात्मा यानी आत्माएं तो बहुत है, लेकिन आत्माओं में जो परम पार्ट बजाने वाली हीरो पार्ट धारी आत्मा है वहां तक उनकी पहुंच है, परमपिता तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती। परमपिता और उनको फिर सर्वव्यापी कहना ये दुरानी हो जाते, इसलिए फिर ईश्वर व परमात्मा कह देते। पिता अक्षर बुद्धि में उनके आता ही नहीं है, क्यों नहीं आता है, जब सर्वव्यापी कह दिया तो पिता कहाँ से आया, बुद्धि में बैठेगा। करके कोई कहते भी हैं तो भी कहते हैं कहने मात्र, अगर अगर परम पिता समझे तो बुद्धि एकदम चमक जाए। आप स्वर कवर कर देते हैं हेवनली गॉड फादर क्यों है, क्योंकि सड़क का वर्षा हमको देते हैं फिर हम नरक में क्यों पड़े, इसका जवाब चाहिए। जब हेवनली गॉड फादर के हम बच्चे हैं, अरबपति खरबपति के हम बच्चे हैं, फिर पैसे पैसे के लिए मोहताज कैसे हो सकते हैं। हेवनली गॉड फादर के बच्चे और हम नरक में पड़े, इसका क्या कारण है। जरूर हमारी मनोबुद्धि का कनेक्शन जैसे लौकिक बाप के साथ लौकिक बच्चे का कनेक्शन होता है, ऐसे हमारा बुद्धि का कनेक्शन लगातार ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से नहीं हो रहा। अब हम मुक्त जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं, ये भी किसी की बुद्धि में नहीं आता है। आत्मा पतित बन पड़ी है, आत्मा पहले सतो प्रधान समझदार होती है तो सतो रजो तमो में आती है, ये समझ बन करती है। अभी तो समझ आई है, बाबा ने हमको ये सुखी दिलाई है, जब नई दुनिया भारत था तो हमारा राज्य एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही महाराजा महारानी का राज्य। द्वापर में बाम मार्ग शुरू होता है, झाड़ का चित्र है उसमें दाई ओर कुछ डालियां दी हुई और कुछ डालियां बाई ओर दी हुई, जो दाई ओर की डालियां हैं बौद्ध धर्म है, सन्यास धर्म है, बुद्ध धर्म है, ब्रह्मचर्य को पालन करने का उपदेश देने वाली धर्म, क्या ब्रह्मचर्य और अव्य विचार का पोषण करने वाली धर्म, और जो भी बाई ओर के धर्म है वो सब ब्रह्मचर्य को खंडित कराने वाले धर्म, विचार को पोषण देने वाले धर्म,
चाहे वो इस्लाम धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, या कोई भी हो, इसलिए उनको बाम मारता है। बाम मार क्यों कहा? एक होता है सीधा हाथ, तो कहते हैं दाया, और एक होता है बाया हाथ। बाया हाथ है अशुद्ध क्यों माना जाता है? क्योंकि बाएं हाथ से अपवित्र काम किया जाता है, चीजें साफ करने का काम किया जाता है, और दान धर्म का अच्छा काम दाएं हाथ से करते हैं। तो वो धर्म बाम मार के धर्म माने गए हैं, क्योंकि वो अशुद्ध दृष्टि बनाते हैं, अशुद्ध दृष्टि बनाते हैं, अशुद्ध कृति बनाते हैं, कर्म इंद्रियों को आग में झोंक देते हैं। और ये सिखाते हैं कि अनेक बच्चे पैदा करो, अनेक शादियां करो, ताकि हमारे धर्म की वृद्धि, धर्म के लोगों की वृद्धि होती है। तो वाम मार्ग शुरू होता है, फिर हरेक के कर्मों से कर्मदार हो जाते हैं, कर्मों के अनुसार एक शरीर को दूसरा लेते, बुद्धियों को कटता जाता है, अनेकों से संसर्ग संपर्क जोड़ेगा इस जन्म में, तो अगले जन्म में एक के साथ जन्म ले लेगा या अनेकों के साथ जन्म मिलेगा। अनेकों के साथ जन्म होता रहेगा, अनेकों के साथ बुद्धि का, दृष्टि का, वृत्ति का, कर्म इंद्रियों का संसर्ग होता रहेगा। माना बुद्धि जो है वो चंचल होती जाए, एक में बुद्धि सीखे तो सात्विक बने, अनेकों में बुद्धि फंसती रहती है तो बुद्धि कैसी हो जाती? तामसी होती। तो कर्मों के अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते रहते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो तुम इसकी जन्म बादशाही बात मन वहाँ की हद का बाप को मिलता है, परंतु वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता कि ये राजा ही का वर्षा वेद के बाप का द्वारा किया गया। तो आप अपने रावण राज्य शुरू होता है, गाय संबंध हो जाता है, दूसरे संबंध कैसा होता है? निर्विकारी संबंध। कर्म इंद्रियों में कोई विकृति नहीं आती है, विकृति मन प्रति मन कर्म, वे माना विपरीत, विकृति माने विपरीत कर्म करने की इच्छा नहीं होती। विपरीत तो कर्म कैसा? ऐसा कर्म जिससे दूसरों को दुख हो। इस दुनिया में जो भी कर्म इंद्रियों से कर्म करते हैं उससे दूसरों को दुख जरूर होता। मानो बच्चों की पैदाइश ये है, जो कि सबसे बड़ी महती इच्छा है सकाम वासी, वो आदि मध्यंत दुख देने वाली, वो कोई आदि मध्यंत सुख तो देती नहीं, तो दुनिया में कुछ दुख बढ़ता चला जाए। प्रतिवतेता में ऐसे कोई कर्म नहीं होते जिसके आदि में भी दुख हो, मध्य में भी दुख हो और अंत भी धावड़े देकर के मृत्यु तो विकारी संबंध द्वापर से हो जाता है, फिर कर्मों अनुसार जन्म लेता रहता है। जैसे जैसे दुख के दुख देने के कर्म करते जाते हैं वैसे वैसे दुखी जन्म मिलता। भारत में पूजी राजा भी थे तो पुजारी राजा ही भी है, तो में सब पूजी होते वहाँ पूजा व भक्ति कोई होती नहीं है। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यथा राजा रहने तथा प्रजा पुजारी भारत बन जाते हैं। बड़े से बड़ा राजा जो सूर्यवंशी पूज्य था वो ही पुजारी बन जाता है। बड़े से बड़ा राजा कौन होता है? जो सत्य का आदि नारायण था वो ही सूर्यवंशी नारायण होता है। जो सबसे बड़ा सूर्यवंशी का नारायण सबसे बड़ा विश्व का मालिक था, 500 करोड़ के ऊपर सारे विश्व के ऊपर जिसका राज्य था वो ही सबसे सीखे जाता है, पुजारी बन जाते हैं। अभी तुम जो 22 वर्ष बनते हो उसकी प्रारंभ 21 जन्म के लिए है। सबसे मान शुरू होता है, देवताओं के मंदिर बना करके पूजा करते रहते हैं। ये सिर्फ भारत में ही होता है, मंदिर बना करके पूजा करना ये सिर्फ भारत में ही होता है, दूसरे धर्मों में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? भगवान का जन्म क्योंकि वहाँ पवित्रता को महत्व नहीं दिया जाता, वहाँ ब्रह्मचर्य को महत्व नहीं दिया जाता, वहाँ अव्यविचार को महत्व नहीं दिया जाता। व्यविचार फैलाने वाले देश है, व्यविचार फैलाने वाली भाषाएं हैं, व्यविचार फैलाने वाले धर्म है, वहाँ वैशाल्य बनाया जाता
कहने में तो बुद्धि जाने कहाँ की कहाँ भटकती है, मुझे भी दुखी होना और दूसरों को भी दुखी करना। तो ये सिर्फ भारत में ही होता है, पूज्य बनना और फिर पुजारी बनकर पूज्य देवताओं की पूजा करना। चौरासी जन्म की कहानी को बाप तुमको सुनाते हैं, ये भी भारतवासियों के लिए है। और धर्म वाले चौरासी जन्मों की कहानी को उतने ध्यान से सुनेंगे, क्यों? देखो न तो उन्होंने चौरासी जन्म लिए हैं और वो चौरासी जन्मों की कहानी को बैठ सुने। और धर्म वाले तो आते ही बात बिल्कुल वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते। वेराइटी भिन्न भिन्न धर्म वालों के फीचर्स हर एक बात में भिन्न भिन्न हो जाते। रसम रिवाज भी भिन्न भिन्न हो जाते, बच्चे मार के लिए सामग्री भी चाहिए। जैसे बीज छोटा होता है और झाड़ कितना बड़ा हो जाता है, झाड़ के पत्ते आदि गिनती नहीं कर सकते, वैसे ही भक्ति का भी बहुत विस्तार हो जाता। ढेर के ढेर शास्त्र बनाते जाते। अब बाप बच्चों को कहते हैं ये भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म हो जाए, जो ढेर के ढेर शास्त्र है उनकी दुनिया में मान्यता खलास होने वाली है। ढेर के ढेर जो मंदिर बने हुए हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, गुरुद्वारे बने हुए हैं, वो सब खत्म होने वाले, एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा, उसी की मान्यता होगी। कौन सा बड़ा मंदिर? शिवालय, जिसके लिए सब धर्मों में गायन है, पैराडाइज के रूप में अंग्रेजों में गायन है। लाड कृष्ण का राज्य था, पैराडाइज था, और मुसलमानों में जन्नत के रूप में गायन है। एडम हवा को कहाँ भेजा गया? जन्नत में भेजा गया। अब बाप बच्चों को कहते हैं ये बच्ची मार की सामग्री सब खत्म हो जाती है, आप मुझे बाप को याद करो, भक्ति का प्रभाव भी बहुत है ना? कितनी खूबसूरत है भक्ति, नाच गाना तमाशा कितना खर्चा करती रहती है। बाप कहते हैं मुझे बाप को और वर्ष को याद करो, आज सनातन अपने धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति जन्म जन्मांतर तुम करते आए हो, सन्यासी भी आप लोगों के रहने के स्थान तत्व को परमात्मा समझ लेते हैं, क्या बात? सन्यासी परमात्मा किसको समझते हैं? जो सुप्रीम सोल के रहने का स्थान है, ब्रह्म कहो या उसे ब्रह्मा कहो, वो ब्रह्मा को ही भगवान का रूप समझ लेते। उससे कहते भी हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन फिर गीता का भगवान किसको मानते हैं? साकार में श्री कृष्ण का जो अंतिम स्वरूप है, अंतिम सोला है, उसको ब्रह्मा को ही भगवान का साकार रूप मान लेते। तो गीता का भगवान किसको माने? कृष्ण को ही माने। तो जो गलती हम खुद ही कर रहे हैं, वो गलती दूसरों से कैसे सुधरवा सकते? पहले तो खुद समझे कि गीता का भगवान कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा नहीं है। गीता का भगवान कौन है? शिव शंकर भोलेनाथ ही गीता का भगवान है। क्यों? क्योंकि शिव और ब्रह्मा को मिला करके एक नहीं करते, शिव और विष्णु को मिला करके एक नहीं करते, शिव को किसी देवता के साथ मिलाकर एक नहीं करते, सिर्फ एक ही है देव देव महादेव, जिसको शिव के साथ मिला करके एक कर दिया है। क्यों कर दिया गया? जरूर उस एक ने अपने अस्तित्व को उस परमात्मा सुप्रीम सोल में सबसे पहले समर्पित कर दिया है ना, एकाकार कर दिया, एक ओंकार कर दिया। तो आप मुझे एक बात को याद करो, सन्यासी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को परमात्मा समझ लेते हैं, तत्व कोई परमात्मा नहीं है। क्या जब नाम ही है उसका परमात्मा, कैसी आत्मा? परम, इससे क्या साबित हुआ? किसके साथ भेंट की? सभी आत्माओं के साथ उसकी भेंट कर दी। भेंट तो समान स्टेज वालों के साथ की जाती है, जो जन्म-मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं की भेंट जरूर जन्म-मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के साथ की जाएगी। सुप्रीम सोल शिव जो जन्म-मरण के चक्र में ही नहीं आता, उसकी भेंट जन्म-मरण के चक्र में आने वालों के साथ कैसे की जा सकती है?
बाइबल से साबित होता है कि परमात्मा वो जिसको कह देते हैं वो परमात्मा को जानते हैं, नहीं जानते हैं इसलिए ब्रह्मा को परमात्मा समझ लेते हैं, ब्रह्म तत्व को याद करते हैं कि गोद में खेले हैं वह उसी को परमात्मा समझ लेते हैं। वास्तव में सन्यासी जब समुप्रधान है तो उनको जंगल में जाकर के रहे शांति, ऐसे नहीं कि उनको ब्रह्म में जाकर लीन होना, वो समझते हैं ब्रह्म की याद में रहने से शरीर छोड़ने से हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। क्या कहा, शरीर छोड़ने से कोई ब्रह्म में लीन नहीं हो जाता, शरीर छोड़ने से किसी को छुटकारा नहीं मिल जाता। ये बुद्धि में कभी नहीं आना चाहिए कि हम ये शरीर छोड़ दें, आत्महत्या कर लें तो हम ब्रह्म लीन हो जाएंगे, ये तो और ही ज्यादा आत्मा नीचे गिर जाएगी, पतन में चले जाएंगे। आप कहते हैं लीन कोई हो ही नहीं सकता, जब सुप्रीम सोल को भी इस शक्ति पर आना पड़ता है बार बार तो सदा के लिए लीन कोई कैसे हो सकता है, आत्मा तो अविनाशी वो लीन कैसे हो सकती है। भक्ति मारे में कितना हम आत्मा की करते हैं, कहते हैं भगवान कोई ना कोई रूप में आएंगे, अब कौन गायक है, वो कहते हैं हम ब्रह्म से योग लगाए ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। गृह कर्म वाले कहते हैं भगवान किसी किसी रूप में किसी किसी रूप में पतितों को पावन बनाने के लिए आएंगे जरूर, ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा सिखलाएंगे, प्रेरणा द्वारा तुम्हें सिखलाता ही नहीं है, टीचर घर बैठे प्रेरणा करे ऐसे हो सकता है क्या, टीचर प्रेरणा अक्सर है ही नहीं, प्रेरणा से कोई काम नहीं होता है, बल शंकर की प्रेरणा द्वारा बिना से कहा जाता है क्या, शंकर की प्रेरणा द्वारा विनाश हो जाता है कहा जाता है, परंतु यह ड्रामा की मूड है, वो कोई प्रेरणा बैठ नहीं करते हैं कि विनाश हो जाए, ये मूड है उनको, ये मूसल आदि को बनाना ही है, किनों को याद होंगे, ये सिर्फ महिमा गाई जाती है, कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते, धर्म स्थापक को भी गुरु कह देते लेकिन वे तो सिर्फ धर्म स्थापन करते, गुरु उनको कहा जाता है जो सदगति करे। मान लो गुरु नानक को सदगुरु कहा तो गुरु नानक ने के आने के बाद इस संसार की सदगति हो गई क्या, कि और ही दुनिया की 500 वर्ष के बाद दुर्गति की क्यों पड़ रही है। सदगति अर्थात बुद्धि जो है वो सत्य रास्ते की तरफ चले, सुखदायी रास्ते की तरफ चले, तब कहेंगे सदगति, सदगति की शुरुआत। ये तो धर्म स्थापन करने आते हैं उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती रहती है, वो सदगति तो किसी की नहीं कर सकते, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे, गुरु तो एक ही है जिसको सर्व का सदगति दाता कहा जाए। सर्व की सदगति कब होती है, द्वापर के अंत में हो सकती है, कलयुग के मध्य में हो सकती है, अगर कहें कलयुग के मध्य में सबकी सदगति हो सकती है फिर कलयुग के अंत में सप्तमों प्रधान क्यों बन जाती, तब की सदगति तो होती है कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में। भगवान बाप ही आकर सर्व की सदगति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, उनकी याद कभी किससे छूट नहीं सकती, पति की कितना भी त्याग होती फिर भी हे भगवान हे ईश्वर जरूर कहेंगे, क्योंकि वो सर्व का सदगति दाता है। तो बाप ने समझा कि ये सारी रचना है, रचैसा बाप मैं हूँ, किसने कहा रचैसा बाप मैं, सुप्रीम सोल ने कहा, सुप्रीम सोल क्रिएटर होता है, सुप्रीम सोल तो आत्मा है और आत्मा सब रचना है किसी की, ये अनादि है, आत्मा तो क्रिएट ही नहीं की जाती, आत्मा तो जब क्रिएट ही नहीं की जा सकती है तो वो क्रिएटर कैसे हुई, आत्मा क्रिएशन नहीं है किसी, जो चीज अनादि होती है वो किसी क्रिएशन नहीं हो सकती, क्रिएटर भी नहीं हो सकता, तो सुप्रीम सोल और जो भी आत्माएं हैं वो क्रिएटर और क्रिएशन नहीं, कौन है वो सुप्रीम सोल, जब किसी साकार मनुष्य तन में प्रवेश करता है तब वो क्रिएटर है, किसका क्रिएटर है,
मनुष्य शरीरधारी तो कहता बाप मैं हूँ, सबको सुख देने वाला एक ही बाप ठहरा, एक ही तब कहें जब वो साकार शरीर में आए, बिंदु बिंदु रूप में एक ही कैसे कहेंगे, बिंदु रूप की कोई पकड़ होती है क्या कि अमुक ही है बिंदु, भाई को वर्षा भाई नहीं दे सकता, वर्षा हमेशा बाप से मिल सकता। तुम सभी वेद के बच्चों को वेद का वर्षा में देता हूँ, इसलिए मुझे याद करते हैं, ये परम पिता क्षमा करो रहम करो, समझते कुछ नहीं है, भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार की महिमा करते हैं, ये भी ड्रामानुसार अपना पार्ट बजाते रहते, बाप कहते हैं मैं कोई इन्हों को पुकारने पर नहीं आता हूँ, इन्हों के पुकारने पर नहीं आता हूँ, ये नहीं कहा तुम्हारे पुकारने पर नहीं आता हूँ, हाँ मैं इन भक्तों को पुकारने पर नहीं आता हूँ, मैं तो तुम बच्चे जब मुझे पुकारते हो तब आता हूँ, तब मैं आया हुआ, बच्चे भी कहते हैं अभी हम जान गए हैं 5-4 वर्ष के बाद बच्चे आपके साथ मिले हैं, कल पहले कि बाबा आप ब्रह्मचर्य में ही आए थे, ब्रह्मचर्य में ही आए थे मानो, हाँ ब्रह्मा कोई एक नहीं होता है, ब्रह्मा को तो 4 और 5 मुख भी दिखाए जाते हैं, वो सभी ब्रह्म है, मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, तो ब्रह्मचर्य में ही आता हूँ, ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है, ये कभी नहीं मिलेगा, ये है ज्ञान और वो है भक्ति, ज्ञान की है प्रारब्ध धरती कला, क्या कहना भक्ति की प्रारब्ध क्या है धरती कला, मन बुद्धि भी नीचे उतरेगी, देह देह के संबंधों में बुद्धि लटकने लगे तो क्या समझो हमारी उतरती कला हो रही है, हम भक्ति मार्ग में नीचे उतर रहे हैं, दुर्गति हो रही है, जब बुद्धि मनन चिंतन मंथन में चलने लगे तब समझो सदगति चढ़ती कला, सेकंड में जीवन मुक्ति हो जाती, जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली थी ना, ये भी अक्षर है, राधे जाकर के अनुराध करती, जनक भी जाकर के सीता का बाप अनुजनक बना, इसी ज्ञान से बना, ये भी एक मिसाल से रखा है नाम, समझते कुछ भी नहीं है, कहते हैं जनक सेकंड में जीवन मुक्ति पाई, कैसे भी एक जनक ने मुक्ति पाई, सिर्फ जनक ने ही जीवन मुक्ति नहीं पाई, जीवन मुक्त अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य, इस रावण राज्य से जिंदगी का छुटकारा मिल जाता, बाप जानते हैं सब बच्चों की किसी भी दुर्गति हो गई, उन्हों की सदगति होनी दुर्गति से फिर ऊंच गति, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते वो ऊंच गति है, पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आ गएंगे, शांति से घर से गोदाम में आएंगे, इस चक्र का सारा राज बाप ने समझाया, तुम्हारे साथ और भी धर्म आते हैं, क्या कहा हमारा धर्म पहले आता है कि हमारे साथ और भी धर्म आते हैं, शूटिंग पीरियड की बात बताइए, शूटिंग पीरियड में जब तुम्हारा धर्म अस्तित्व में आता है, सनातन धर्म सनक कुमार का धर्म जो सनक कुमार के द्वारा चलाया हुआ है, वो धर्म जब अस्तित्व में आता है शूटिंग पीरियड में, तो दूसरे दूसरे धर्मों का भी अस्तित्व शुरू हो जाता है, उनका भी फाउंडेशन पड़ जाता है, मनुष्य शक्ति वृद्धि को पा की जाती है, आप कहते हैं इस समय ये मनुष्य शक्ति का जहाज समय प्रधान जगह भूत हो गया, आज सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन सारा ही सड़ गया, आज सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन फाउंडेशन के धर्म से शुरू होता है, आज सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन कौन आत्मा, कौन सी बीज रूप आत्मा, प्रजा रूप प्रजा पिता, वो तो बाप है फाउंडेशन डालने वाला है, ठीक है क्रिएशन है, वो क्रिएशन है या क्रिएटर है, वो तो क्रिएटर है, फाउंडेशन कौन है, गीता माता जिसको जगदम्बा कहते हैं वो भुवनेश्वरी है, तो बोला आज सनातन देवी देवता का धर्म का फाउंडेशन सारा सड़ गया, ऐसा हो गया है,
फाउंडेशन ही सारा सड़ गया, उसमें कोई ताकत नहीं रही है, बाकी सब धर्म खड़े, सिख धर्म भी खड़ा है, तो इस्लाम धर्म भी खड़ा है, मुस्लिम धर्म भी खड़ा है, सब खड़े हुए हैं, लेकिन जो मूल फाउंडेशन है कोई सड़ गया। भारत में एक भी अपने को आज सनातन देवी देवता धर्म का आप नहीं समझता है, देवता धर्म के, परंतु उस समय ये समझते नहीं है कि हम आज सनातन देवी देवता धर्म के, क्योंकि देवताएं तो पवित्र थे। अगर कोई कहे कि हम देवता धर्म के हैं तो फिर कैसा होना चाहिए उनको, दृष्टि भी पवित्र होनी चाहिए है, जो कर्मेंद्रियां हैं वो भी पवित्र होनी चाहिए, तो वो पवित्र है नहीं तो ये कह भी नहीं सकते कि हम देवता धर्म क्यों सकते, समझते हम तो पवित्र है ही नहीं, हम अपवित्र अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहना है, ये ड्रामा के प्लेन अनुसार रसम पड़ जाती है हिंदू कहलाने। आदम शुमारी में भी हिंदू धर्म लिख देते, भले गुजराती होंगे तो भी हिंदू गुजराती कह देंगे, दोनों से पूछो तो सही कि हिंदू धर्म कहाँ से आया, हरेक उसका धर्म होता है, धर्म पिता होता है, धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है, क्राइस्ट के नाम पर क्रिश्चियन धर्म पड़ा, इतने अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी स्थामणी दी उसके नाम पर, गुरु नानक के नाम पर उसने बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी, उनके नाम पर सिख धर्म पड़ा, मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम धर्म पड़ा, बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म, तो हिंदू हिंदू किसके नाम पर हिंदू नाम धर्म नाम पड़ा, किसके कोई धर्म पिता हुआ ही नहीं है, तो बताया हिंदू धर्म कहाँ से आया, ये तो तुमको पता ही नहीं है, सिर्फ कह देते हैं हमारा धर्म कृष्ण ने स्थापन किया, कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, द्वापर में दिया, अरे द्वापर में आपके अंत में आकर के द्वापर के अंत में कृष्ण भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करके गया, भगवान का ये काम है कि गिरती कला की युग की स्थापना पापी युग की स्थापना करके चला गया, द्वापर से ही ये लोग अपने धर्म को हिंदू कहला गए, क्या कहा, इसलिए उन्हों को कहा जाता है दैवी धर्म ग्रस्त, वहां सब अच्छा कर्म करते हैं, यहाँ सब अच्छी कर्म करते हैं, इसलिए देवी देवता धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाए, अब फिर श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ देवी धर्म की स्थापना हो रही है, इसलिए कहा जाता है अब इन पांच विकारों को छोड़ते जाओ, ये विकार आधा तर्क से बल रहे हैं, अब एक जन्म इनको छोड़ना इसमें ही मेहनत लगती है, मेहनत को अगर छोड़ेगी तो मिलेगी, बाप को याद करेंगे तभी अपने को तुम राजाई करके लग देते, अर्थात राजाई के अधिकारी बनते हैं, जितना अच्छी रीति याद में रहेंगे और श्रीमत पर चलेंगे, क्योंकि याद ही नहीं तो क्या, हम याद तो बहुत करते हैं लेकिन बाप को नहीं मानते, क्या जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठधारी है हम उसकी बात एक भी नहीं मानेंगे लेकिन हम उसको याद बहुत करते हैं, तो राजाई मिल जाएगी तो भी राजाई नहीं मिलेगी, जितनी अच्छी रीति याद में रहेंगे श्रीमत पर चलेंगे ज्यादा तो तुम राजाओं का राजा, याद में बहुत रहता हूँ और श्रीमत पर न चलता हूँ, जो कहे उसके विरोधी काम करे तो बाप को उसकी याद आएगी, बाप उसको याद नहीं करे, जब बाप की याद का सकाश ही उसको नहीं मिलेगा तीसरे नेत्र की दिव्य दृष्टि मिलेगी ही नहीं, तो फिर याद से याद मिलेगी, जब याद से याद मिलेगी नहीं तो उसका कल्याण हो नहीं सकता, पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने के लिए, ये पाठशाला ही मनुष्य से देवता बने, नर से नारायण बना दिए कि बनाने की कथा सुनाते हैं, ये कथा कितनी नामी ग्रामी है, घर घर में सत्यनारायण की कथा होती है तो सबसे जाती नामी ग्रामी कथा किसकी हुई, सत्यनारायण इनको अमर कथा सत्यनारायण की कथा तीजरी की कथा भी कहते हैं, तीनों पार्टी की बात कर जाती है, माताएं बन जाती है, तो
सन्यासियों को गुरुओं को बार बार सके। जगदम्बा सरस्वती कुमारी है ना, बड़े बड़े पंडित सरस्वती सरनेम रखवाते हैं। वास्तव में ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान सरस्वती मम्मा है। बरोबर अभी कन्याओं में ताकत जाती आती है, क्योंकि वो उनकी सीढ़ी नहीं चढ़ी है। पुरुष जब शादी करता है तो स्त्री में मोह चला जाता है, फिर माँ बाप आगे सबसे मोह निकले, स्त्री से मुरीद बन जाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं तो उनमें मोह चला जाता है। अभी तुम सबसे नष्ट मोह बनते हो, क्योंकि अपन को आत्मा निश्चय करते हो। आत्मा का योग बाप से है, योग अर्थात याद, तुम्हारी तो बात ही निराली होती। कन्या तो पवित्र होती है, वो तीर्थ आदि नहीं करती है, क्योंकि है ही पवित्र। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं पाप कटाने के लिए, समझते हैं गंगा पतित पावनी है, पतित पावन तो एक होना चाहिए ना। गंगा पतित पावनी है तो फिर वहाँ क्यों जाते हैं, वहाँ देखने जाते हैं। कहते हैं तीर मारा फिर गंगा निकली, कुछ न कुछ गौमुख आदि बनाकर रख दिए। तो बाप बैठ समझाते बच्चे तुम आत्मा हो, अपन को आत्मा समझने को याद करो। वो बाप भी है, सदगुरु भी है, मंदिरों में कृष्ण के पांव दिखाते हैं। फिर बाबा को तो अपने पैर नहीं, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है जो कोई चरणों की धूल बने। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको शिव बाबा के चरणों की धूल नहीं बनना है। मैं इन सब कली की रस्म विवाद में से तुम बच्चों को आकर के छोड़ाता हूँ, मेरे चरण तो है ही नहीं, क्योंकि शिव को तो शरीर ही नहीं है, ये तो ब्रह्मा का चरण है, इसलिए तुम शिव बाबा की पूजा नहीं कर सकते हो। इस भाग्यशाली रस्म में शिव आया है, भक्ति मार्ग में शिव हम कहने वालों पर फूल आदि चढ़ाते हैं, ये सब है भक्ति मार्ग की रस्म। अब तो कुछ भी नहीं समझते, कहते हैं स्त्रियों को लिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, परंतु वो कौन है ये समझते हैं। वास्तव में शिव कोई ऐसा लिंग रूप नहीं है, ऐसा जैसा भक्ति मार्ग में कैसा दिखा दिया, ना आंख पांव हाथ कुछ भी नहीं दिखाया है। ऐसा लिंग रूप नहीं है, वो तो स्टार है, उनकी पूजा क्यों नहीं कर सकते। देखो माना ही परमपिता परमात्मा कल्याण का, वास्तव में उनकी पूजा तो बहुत होनी चाहिए। क्यों पूजा का आधार है, क्योंकि शिव कल्याणकारी एक ही है। भूल पति से पावन बनाते हैं, सबका कल्याण करते हैं। जो पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण थे वो ही 84 जन्म लेकर के सत्य बने, तो सब पतित हो गए। पशुपदान से ससुर जो समय में आ गए हैं, सबका कल्याण करने वाला एक ही बाप ठहरा। इस समय मनुष्य सब पतित बने, पहले आने से ही पतित नहीं होते, पहले तो पावन होते। ये बाप बैठ समझाते मेरे लाडले सुशीले बच्चे बात काले ग्रामो सुनते हो, बाप इस मुख से क्या कह रहे हैं, और तो कोई कह नहीं सकता। कोई भी सन्यासी आदि कह न सके कि मैं हमारा पावन है शरीर द्वारा तुम आत्मा से बोल रहा हूँ, बाप ही कह सकते। कई बाबा बाबा कहकर फिर बर्म भस्मासुर बन जाते, माया थप्पड़ लगा देती है तो अपने को भस्म कर देते। काम आदमी है ना, ये सारी दुनिया भस्मासुरों की है, सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चे। उनको परमात्मा को सर्वज्ञाति से अपन को स्थापित कर देते हैं तो भस्मासुर ठहरे। बाप आकर भस्मासुर पने से छुड़ाते हैं, समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे तुम मेरी संतान हो, तुम ब्रह्मांड में रहते हो, वहां तुम अशरीरी हो, कोई संकल्प विकल्प नहीं चलता है, प्रकाश में आते हो ये भी ड्रामा बना हुआ है, तुम्हारी प्रारब्ध खड़ी है, अभी तुम प्रकाशदर्शी हो, ये संस्कार तुम्हारे यहाँ ही प्राय लोक हो जाते हैं,
ये ज्ञान वहां नहीं रहेगा, जब तक यहाँ हो तो ये ज्ञान है। समझो तो यहाँ से संसार ले जाते हैं, वो फिर इमर्ज होते हैं, तो इसी अनुसार शक्ति सेना में आकर के दाखिल हो सकते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, उनमें थोड़ा बड़ा होने से ही मिलिट्री में दाखिल हो जाते हैं। कुछ यहाँ जन्म लेना होगा तो संसार जो ले जाते हैं वो संसार अच्छे घर में जाकर जन्म लेते हैं। फिर ऐसे ही संसारों वाले छोटे बच्चे भी यहाँ आते हैं, फिर स्वर्ग में नया जन्म लेते, तो यहाँ के संस्कार खत्म हो जाएंगे। फिर राजधानी के संस्कार आएंगे प्रारब्ध भोगने के लिए, ये संस्कार मर्ज हो जाते। कई बच्चों का बहुत अलग रहता है, वो आत्मा देकर के खुश होती है, परंतु आर्जन से छोटे होने के कारण बोल नहीं सकते, बड़ा होने से संस्कार ही मर्ज होते जाएंगे। तो बाप कितनी बातें बैठ कर जाते हैं, परम पिता परमात्मा है तो पिता से वर्षा जरूर मिलना चाहिए, वो वही स्वर्ग का रहता। कहता है तो पाई का वर्षा मिलना चाहिए, स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। स्वर्ग का वर्षा दे नहीं और पहले से ही चला जाए तो वर्षा कौन दे देगा? नरक का वर्षा नहीं देते हैं, नरक का रचयिता नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, कल पहले भी हमने ही लिया था, इसी समय पर ही देव के बाप से देव के वर्षा मिलता है। ये सिर्फ तुम ही कह सकते कि हमको बेहद का वर्षा इस समय मिलता है, ये बिल्कुल नई बातें हैं। तुम समझाते हो गीता है माई बाप, बाकी सब साथ में उनके बाल बच्चे, गीता से ही राजयोग स्वर्ग की राजाई का वर्षा मिलता है, बाकी बाल बच्चों से वर्षा क्या मिलेगा? तुम तो अब पारस बुद्धि बनते हो तो तुम्हारी महिला आदि भी बहुत ठीक बनेंगे। तुम्हारा है साइलेंस का घमंड और उनका है साइंस का घमंड, तुम सब सत्यवान बाप से राजा ही लेते। भारत के तुम मालिक बनते हो, ये हमेशा बुद्धि में रखो। विश्व का रचयिता हमको विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते, एक सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं तो क्या एक सेकंड में बाप में प्रवेश नहीं कर सकेंगे? एक सेकंड में आत्मा यहाँ से लंदन अमेरिका आदि में जाए जाकर के जन्म लेती है। आत्मा एकदम फ्लाइंग स्पाइड है, इतना छोटा सा स्टार। पुनर्जन्म तो जरूर माने, तुमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं, 84 जन्मों में जरूर आना है, तो बिल्कुल ही प्रतिशुद्ध बुद्धि है, वे आकर फिर से सप्त बुद्धि बनते। सप्त बुद्धि का संग जरूर ऐसा ही बनाए। अभी तुम मास्टर ज्ञान सागर ठहरे, जो बाप में गुण है वो तुम धारण करते, तुम भी कहते हो मन मना में तो तुम्हारी आत्मा स्वस्थ हो जाएगी। बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास ही, तुम मनुष्य देवता बनते हो इसलिए बच्चों को भी ताज दिखाते हैं, नहीं तो छोटे बच्चों को ताज नहीं होता है, वो प्रिंस ही देखते हैं। माताएं साक्षात्कार में देखती है हमें जाकर के महारानी बनेंगी, ज्ञान से भी समझ सकते हैं अभी हमारी आत्मा पतित है, मैं कारपेंटर हूँ, मैं गरीब हूँ, आत्मा ही बोलती है। अभी तुम जानते हो सेवा द्वारा हम देवता बन रहे हैं, आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आत्मा मैं आत्मा हूँ पतित ऐसा फील करती है, तो शरीर भी ऐसा पतित है ना, आद पड़ी है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए, तो फिर आदत पड़ जाएगी। विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना है, राय के क्या है रंग क्या, अपन को आत्मा निश्चय करना है। मैं ब्राह्मण हूँ, शरीर द्वारा आत्मा को ही बुलाते हैं, सभी को क्यों नहीं बुलाते, बुलाते भी आत्मा को। अच्छा आत्मा कैसे खाएगी? ब्राह्मण के शरीर द्वारा खाएगी ना, किसकी समझती है पति की आत्मा को बुलाया? किसको स्त्री में प्यार होता है जब उनकी आत्मा को बुलाते हैं तो समझते हैं अब उनको क्या सौगात है, फिर उनको अंगूठी व फूली पहनाई देते है। तो आत्मा शरीर है, तो आत्मा शरीर तो नहीं है, शरीर आ भी नहीं सकता, आत्मा ही आती, वास्तव में आत्मा कोई आती भी नहीं, ये सब ड्रामा में नूज है।
ये भी एक खेल है। वो समझते फलाना आया हुआ है, मैं उनको खिलाता हूँ, बड़े आदमी को धूमधाम से खिलाते। ये रस्म रिवाज है, वास्तव में ब्राह्मणों को कोई नौकरी नहीं करनी। क्या बोले? वास्तव में ब्राह्मणों को कोई नौकरी नहीं करनी है, परंतु आजकल पेट के लिए सब कुछ करते हैं, पेट ही हो गए। समझते हैं यहाँ रहकर तो खिचड़ी मिलेगी रोज, पूरा पेट तो भरता नहीं। नहीं तो ब्राह्मण लोग अपने को बहुत कुछ समझते हैं, परंतु वह है कुकुरंता बलि क्या होगा। कौन से ब्राह्मण है कुकुरन सा बलि है? बेदी वाले बेदी वाले ऊपर सवारी करते हैं। अब फिर बढ़ते हैं, आश्रम में ब्राह्मणों को नौकरी नहीं करनी है, परंतु आश्रम पेट के लिए सब कुछ करते हैं। नहीं तो ब्राह्मण लोग अपन को बहुत कुछ समझते हैं, परंतु वो है कुकुरन। तो वो भगवान का तुम्हारी बहुत महिमा है, तुम अब समझ भी गई हो। हम सारे सृष्टि के आदि में जयंती की नाली भी जाएंगे, सिवाय एक बाप के और कोई को नाली को नहीं गएंगे। जिनको मनुष्य देवता बनाते हैं उनको भी बहुत जरूर चाहिए, क्योंकि ये है माता पिता। बाप अगर तुमको इन द्वारा रखते हैं, ये बातें और कोई की समझ में मुश्किल से आती है। वंडरफुल बातें कहते हैं, दिन प्रतिदिन तुमको ये राग सुनाता हूँ, अंत तक ये नाली धारण करनी। पिछाड़ी में जाकर के कर्मातीत अवस्था बनेगी। आठ पास बानव होते हैं, मिलिट्री में मरते हैं तो उनको फुल आनंद देते। ये सब प्रसाद कर रहे हैं, कर्मातीत बनने की रेस है। कोई अक्षरित योग लगाते हैं और रुद्रमाला में जाते हैं। मम्मा बाबा तो प्रसिद्ध है, फिर बाकी सब है नंबर वन। पास विदानर को फुल मास्क मिलते, वो सदा आगे किसी भी नहीं खाते, उनका मान बहुत है। तो हमेशा नौ रतन गाए जाते हैं, आठ नहीं गाए जाते। गाय कितने जाते हैं? नौ रतन। और पास विदानर कितने होते हैं? आठ। चार की जोड़ी हो जाती है, बाकी एक है बीच में बाप। जो लोग तो अर्थ को नहीं समझते, जिसने जो राय दी वो ही बनाए देते। जैनी लोग कितने हथियार सिखलाते, बाल खींचते रहते, ये तो हिंसा हो गई। ये संन्यास तो बहुत सुख देने वाला है, तुमको तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। तुमको तो कॉम्पिटिशन देकर तुमको विकारों का संन्यास कराते हैं। ये नाली भी तुम्हारी सिवाय और कोई में नहीं है, बरोबर 84 जन्मों का चक्कर लगाया, अभी हम वापस जाते हैं। तो जितना योग में रहेंगे तो पवित्र बन सकते, याद में रहते और सर्विस करते रहें तो उनको जात के फल मिलेगा। बहुत बिलिविट बात है जिससे इसी जन्म के लिए सुख का वर्षन। अच्छा, मीठे मीठे किसी बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग टू आने बाप के लिए हम देते।